सबसे पहले ये बता दूं कि मैं ठीक हूं। अभी अभी डॉक्टर के पास जाकर दिखाया भाई, बहुत मुश्किल से मुझे डॉक्टर मिला। कोई भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट देने को तैयार नहीं है, बार बार बोल रहे हैं कि ऑनलाइन दिखा लो ऑनलाइन, लेकिन जाकर मैं दिखा के आया और ये रहा प्रिस्क्रिप्शन। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। और थैंक यू दिल से भाई, जो जो मुझे सुझाव दिया, हालांकि विटामिन लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, थैंक यू फॉर दैट, आप लोग इतना केयर करते हो। चलो मैं खबर पे आता हूँ। देखो यार, आज का वीडियो मैं जो बता रहा हूँ, थोड़ा पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, जब कुछ नया अच्छा होता है तो आपका हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस चीज़ को आप सराहें, उस चीज़ को आप तारीफ करें, जिससे कि उसका हौसला बुलंद हो। हालांकि मैं यहाँ पे कोई फ्लॉज नहीं निकाल रहा हूँ, कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे बुरा लगा है। बुरा इस बात का लगा है, श्वेता मेहरा जी एक कमाल की अदाकारा है, उन्होंने प्रूफ कर दिया परदेसिया गाने में। श्वेता मेहरा जी का एक्टिंग सबको लुभा लिया है भाई, और श्वेता मेहरा और खेसारी लाल जी का जो केमिस्ट्री है, जो जोड़ी है भाई, एक वर्ड में बोला जाए तो सुपर हिट। लेकिन एक बात समझो, गाने की तारीफ तो लोग बहुत कर रहे हैं, खेसारी जी का तारीफ तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ, दिल से बताओ, खेसारी जी का मैं मानता हूँ 65 से 70% खेसारी जी का पूरा हार्डवर्क है, लेकिन क्या 30% आपको नहीं लगता कि श्वेता मेहरा जी का जो मतलब ज़्यादा मेहनत है और एक्टिंग है, जिससे गाना और भी मतलब बोलते नहीं, ये चार चांद लग गया। आपको क्या लगता है आप कमेंट करना। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा क्यों वीडियो बना रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा। मैं देखा बहुत सारी ऐसी हीरोइंस है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जो कि खेसारी जी को बधाई दे रही है, शिल्पी राज जी को बधाई दे रही है, लेकिन टैग में श्वेता मेहरा जी को टैग नहीं करा है, एक बार भी उनका चर्चा तक नहीं किया है। तो मैं इसे क्या समझूं, जलन समझूं या कंपटीशन समझूं? क्योंकि मेरा मन यही बोलता है कि अगर आप नए हो, इंडस्ट्री में आए हो और किसी दूसरे इंडस्ट्री से हो, और भोजपुरी इंडस्ट्री में आके इतना बड़ा बवाल हिट दिए हो, तो मेरा तो मन यही बोलता है कि मैं आपका तारीफ करूं, मैं आपके हौसले को और बढ़ाऊं, जिससे कि आप भोजपुरी में ऐसे ऐसे और गाने बनाओ, मेरा मन यही बोलता है। लेकिन अभी तक कोई हीरोइन, कोई हीरो श्वेता मेहरा जी का एक बार भी तारीफ करते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि छोड़ ही दो, हीरो तो भाई खेसारी जी के लिए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि कुछ हीरोइंस हैं, कुछ एक्ट्रेस हैं जो कि खेसारी लाल जी को काफ़ी बधाई दी हैं, जिसमें से काजल राघवानी जी एक है, यामिनी सिंह जी एक है, और भी तमाम बड़े छोटे एक्ट्रेस हैं जो कि खेसारी जी को बधाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्वेता मेहरा भी बहुत ज़्यादा इस गाने में अपना दमखम झोंक दी है। तो आपको क्या लगता है, उनको भी इसका हक मिलना चाहिए कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिए। और हम चाहते हैं कि श्वेता मेहरा जी भोजपुरी में और भी नए नए गाने लेकर आए। आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले यही बोलूंगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।